नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के बीते कई दिनों से जो है पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रख रखा है। पहलवानों के धरना प्रदर्शन को देख करके अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि उनकी तरफ से जो है अब जो भी मुद्दा आएगा वो खुल करके तमाम मीडिया तमाम समाज के लोगों के सामने पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ब्रजभूषण की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं और एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान जैसी बातें सामने निकल करके आ रही है, वो दोनों ही मुद्दे अब आपस में टकराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार ये दोनों मुद्दे कैसे आपस में टकरा रहे हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय से लंबित है। उसी सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला निकल कर के आया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के। मुर्मू के हक में वो फैसला नहीं था क्योंकि विपक्षों के हक में नहीं था। विपक्षों को ये कह करके टाल दिया गया कि राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के जो अपमान की बातें वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराधार है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की लकीर खींच दी गई ये कहकर कि उन्होंने जो राष्ट्रपति मुर्मू के समर्थन में बातें कही हैं वो यहाँ पर उनके विरोध जा रहा है, उनके जाति को बार बार सामने ला करके भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। तो देखिए ऐसे में जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके का फैसला कुछ समय पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए भी सुनाया था जिसमें यहाँ पर पहलवानों को जो है हाईकोर्ट जाने की हिदायत दी गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहे इस फैसले ने इन दोनों की कड़ियाँ आपस में जोड़ दी है, जहाँ पर ये दोनों ही मुद्दे अब आपस में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश के पहलवानों के समर्थन में अब जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये मामला कोई राजनीतिक दल से उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना कि वो देश की शान और मान से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पहलवान से लेकर के हर देश का नागरिक और तमाम विपक्षी नेता यही चाह रहे थे कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है वो उद्घाटन करें, लेकिन अंत समय में भी उद्घाटन का जो मामला था उसको बदला नहीं गया और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने ही उद्घाटन किया। आप समझ सकते हैं कि उन्हें जो है बुलाया तक नहीं गया, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी खेमे से काफ़ी नाराज़ हो सकती हैं मुर्मू, और ब्रजभूषण मामले में कोई एक ऐसा फैसला ले सकती हैं जो यहाँ पर ब्रजभूषण की मुश्किलें कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।